भगवान के स्वभाव को जिसने जाना वो उसके भजन को छोड़कर दूसरे किसी स्थिति में उसका मन उसका स्व टिक नहीं सकता। जगत के स्वभाव को जानने से उससे उपराम हुए बिना रह नहीं सकते और भगवत स्वभाव जानने से उसमें रसमय हुए बिना रह नहीं सकते। जगत है धोखे से भरा, जगत है नश्वरता से भरा, जगत है तपाने वाला। भगवान के पिताश्री राम जी के पिताश्री जी को भी रुला दिया और भगवानों के कुटुंब में भी जगत ने उपद्रव करके दिखा दिया। विघ्न बाधाओं कष्ट और नश्वरता से भरा हुआ जगत ये सिखाता है कि जहाँ विघ्नों की दाल नहीं गलती, जहाँ नाश की दाल नहीं गलती, जहाँ दुखों की दाल नहीं गलती, जहाँ माया की दाल नहीं गलती, वो महेश्वर स्वरूप तुम्हारा भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सभी यज्ञ और तप के फल का जो भोक्ता है और लोक लोकांतर और ईश्वर तो अनेक है लेकिन सबके अंतरतम चैतन्य परमेश्वर महेश्वर है। उस महेश्वर स्वभाव को जानने से मनुष्य का दुख कष्ट शोक अहंता ममता टिक नहीं सकता और वो महेश्वर स्वभाव प्राणी मात्र का परम सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद है। रात्रि को सोते समय भगवत चिंतन करें कि महाराज हम तो आपकी शरण में आ रहे हैं। हे प्राणी मात्र के सुहृद, हे परमेश्वर, हे गोविंद, हे गोपाल, गोमाना इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा जिसकी सत्ता विचरण करती है, इंद्रियां थक जाती और जिसमें आकर विश्रांति पाकर पोषित पालित होती, वे गोपाल हम आपकी शरण आ रहे हैं, आप में विश्रांति पाने को आ रहे हैं। स्वस्थ चित्त पुरुष निद्रा के आने के आरंभ में और जागरण के बाद जो शांत अवस्था का अनुभव करता है वह शांत अवस्था है चिदाकाश। ये जो दिखता है आंखों से इसे भूताकाश कहते हैं और दूसरा जो चित्त में स्फुरणा होता है उसे चित्ताकाश कहते हैं और उन दोनों का जो अधिष्ठान स्वरूप परमेश्वर है वो है चिदाकाश। विज्ञानियों का सम्मेलन था, अच्छे अच्छे विज्ञानी एकत्रित हुए और कुछ खास विद्यार्थियों को भी उस विज्ञान सम्मेलन में सम्मति मिली थी आने की। इसमें एक सूरदास महाराज, बाल्यकाल से आंखें चली गई थी, उनको बुलाया कि हमारे विज्ञान सम्मेलन को आप संबोधित करिए। अब वो खास पढ़े लिखे नहीं थे, विज्ञान के विषय में उनकी कोई डिग्रियां नहीं थी। मंच पर आए तो विज्ञानी और विज्ञान के विद्यार्थी चकित हो गए कि ये सूरदास महाराज क्या संबोधन करेंगे। वे सूरदास महाराज थे स्वामी शरणानंद जी, जिनको गांधी जी भी आदर से सुनते थे और आनंदमय माँ भी जिनकी इज्जत करते थे। राजेंद्र बाबू से उन्होंने बातचीत किया कि हमने आंदोलन किया
अंग्रेज गए सेवा की। अब तो बोले राजेंद्र बाबू अब क्या, अब तो आप नेता बन रहे। तो बोले महाराज सेवा का अंत, बोले सेवा का अंत त्याग में होना चाहिए, सेवा का अंत नेतागिरी नहीं होता है। बोले ऐसे त्याग के धनी लोग कहां से लाएं। तो शरणानंद भी हंसने लगे और राजेंद्र बाबू जो राष्ट्रपति बने, ऐसी ऊंची समझ के धनी थे। विज्ञान में उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लेकिन 35 मिनट विज्ञान संबंधी इतना सुंदर प्रवचन दिया कि विज्ञानी और विद्यार्थी विज्ञानी दंग रह गए। पूछा कि महाराज आप तो 4-5 क्लास से ज़्यादा पढ़े नहीं और सूरदास हैं, तो विज्ञान के बारे में आप इतना सूक्ष्म कैसे प्रवचन दिए, बड़ी सारगर्भित बातें बताई। तो उन्होंने सहज में बोला कि जिन्होंने विज्ञान को पैदा किया और मेरे को भी पैदा किया है, उसी ने मुझे बताया है। कहने का तात्पर्य है कि वो चिदाकाश स्वरूप परमात्मा, उसमें जितनी जिसकी विश्रांति है, जितनी प्रीति है और जितना अपनत्व है, उतना ही उनका जीवन रहस्यमय हो जाता है। सुबह के सत्संग से सुना होगा तुमने कि रहीदास की कठौती में जो चप्पल बिकते थे, चमड़ा बिकता था और उस जूते का चमड़ा बिकता था, उस कठौती में पानी जो था, गोरखनाथ ने प्यासा हूं पानी पिलाओ तो कठौती का पानी दे दिया उनके खप्पड़ में। और गोरखनाथ ने संत रहीदास का दिया हुआ पानी अपमान तो नहीं करा, लेकिन पिए कैसे, तो कबीर जी के पास चले गए और सारी बात बताई। तो कबीर की बेटी कमाली ने वो पानी मांग लिया और धीरे धीरे पी गई। समय पाकर उसकी तो शादी हो गई मुल्तान में, रावी नदी के किनारे, फाजल का राजस्थान, पंजाब का बॉर्डर, पाकिस्तान राजस्थान पंजाब का बॉर्डर, अपना आश्रम भी है वहां फाजिलका के पास। तो मुल्तान में शादी हो गई और गोरखनाथ योग का प्रचार करते करते मुल्तान पहुंचे। मैं उसी के घर का भोजन करूंगा जो मेरा ये खप्पड़ भर देगा भिक्षा से। खप्पड़ में योग शक्ति का संकल्प लगा हुआ, तो खप्पड़ भरे ही नहीं। इससे उनके प्रचार में 4 चांद लग गए, बड़ी प्रसिद्धि हुई। कमाली जहां शादी करके पहुंची थी उस मुल्तान इलाके में, उनको पता चला तो उन्होंने आमंत्रित किया। भोजन के लिए आए तो उन्होंने पर्दे के पीछे से थाल भर के किसका दिया, महाराज भोजन कहिए। मेरी तो ये शर्त है कि खप्पड़ भर दे उसके घर का भोजन करूंगा। कमाली ने एक चम्मच चावल डाले और खप्पड़ भरा ही नहीं छलका। तो कब गोरखनाथ दंग रह गए। पूछा कि तुम कौन हो, खप्पड़ आज तक कोई भर नहीं पाया और एक चम्मच चावल से खप्पड़ भर गया। बोले मैं वही हूं जिसको आपने रहीदास का पानी दिया था। गोरखनाथ को पता चला कि रहीदास उस चिदाकाश परमात्मा में थे। ऐसे पुरुष की जाति, उम्र, विद्या, प्रमाण पत्र आदि की कोई आवश्यकता नहीं रहती। गए रहीदास के पास गोरखनाथ। रहीदास ने कहा जब दिया तब पिया नहीं, अब आए हो महाराज वो घड़ी गई। कहने का तात्पर्य है कि परब्रह्म परमात्मा सत्ता सभी का अपना आपा है। कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सहज स्वभाव, नारायण व संत की लगी किनारे नाव।
छल छिद्र और कपट न हो और ईमानदारी से भगवान को चाहे और ईमानदारी से भगवान में प्रीति करे तो भगवान उसके अंतःकरण में ऐसी दिव्यता देते हैं कि आदमी दंग रह जाए। अहमदाबाद के पास में बावलाह गांव है, वहां एक सूरदास बालक का जन्म हुआ। माता पिता 10 साल की उम्र में अलविदा हो गए। अनाथ बच्चा ढपली बजाकर अहमदाबाद स्टेशन से आनंद स्टेशन तक लोकल गाड़ियों में भीख मांगता और गुजारा करता। किसी सत्संगी ने कहा कि भीख मांग कर तो गुजारा करता, आखिर क्या चाहिए तेरे को? बोले मेरा कोई है नहीं ऐसा ऐसा। बोले चलो हम सत्संग में जाते, भोजन वहां मिल जाएगा। सत्संग में गए तो सत्संग करने वाले महंत भाईदास जी महाराज ने भगवत नाम, भगवत प्रीति और भगवत विश्रांति पर प्रकाश डाला और गुरु मंत्र की महिमा पर थोड़ा प्रकाश डाला। उस सूरदास प्रीतम ने प्रार्थना किया कि मुझे गुरु मंत्र दे। तब महंत भाईदास ने कहा, ईमानदार रहे होंगे महंत भाईदास, बोले मैं कथाकार हूं, मैं उस चिदाकाश में विश्रांति पाया हुआ महापुरुष नहीं हूं। अगर कोई महापुरुष मिल जाए और मंत्र दे तो उनके अंतःकरण का चेतन मंत्र तुम्हारा कल्याण कर सकता है। और वो इस समय मंत्र देने की सामर्थ्य रखने वाले चिदाकाश स्वभाव में जगे हुए साक्षात्कार किए हुए गुरु गोविंद राम जी के पास तुम जाओ और वहां से मिल जाए दीक्षा तो तुम्हारा काम बन जाएगा। महंत भाईदास ने दीक्षा नहीं दी और गुरु गोविंद राम जी से दीक्षा ली। दीक्षा मूलम जपम सर्वम, दीक्षा मूलम तपम सर्वम। उचित दिशा मिल जाए, उचित उद्देश्य बन जाए, मिल गए दिशा दीक्षा और लग गए तो थोड़े दिनों में भगवत रस आने लगा, भगवत ध्यान लगने लगा, भगवत विश्रांति से मति में विलक्षण लक्षण प्रकट होने लगे। फिर तो वो सूरदास बालक बोले मानो वेदवाणी बोल रहा है। एक विद्वान, दो विद्वान, तीन विद्वान, चार चार विद्वान आकर लिखते हस्तलिखित लिपि 1780 और 82 के बीच की घटना है। वो प्रतिमा में देखने गया था और रोमारोला ट्रस्ट के ट्रस्टी कुछ प्रतियां ले गए और अंग्रेजी में अनुवाद हो गया होगा, किताबें छपी। आज से 2 साल पहले मैं देखने भी गया था और वो प्रीतमदास महाराज के आश्रम बन गए 52 50 और 2। अहमदाबाद से लेकर आनंद तक 52 आश्रम, आनंद से थोड़ा सा आगे उनकी समाधि स्थान भी मैं देख गया है। जन्मजात सूरदास है लेकिन ऐसी विलक्षण शक्ति बुद्धि में आई कि गुजराती में उनके कई किताबी छपे हैं, जो बोलते थे लोग लिखते थे हिंदी आदि में, गुजराती में आरती भी उन्होंने बनाई। आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनी सेवा, संत मले तो महासुख पाऊं, गुरु जी मले तो मेवा, कहे प्रीतम ओढ़खो अनसारे, हरिना जन हरि जेवा। अकाल पड़ा तो भगवान को स्नेह करते हुए भजन गाया कि प्रभु बरसात भेजो, कैसे बन, बरसात नहीं होगा तो कैसे बनेगा प्रसाद। गलती तो मनुष्यों ने की है लेकिन तू तारणहार दयालु, आदि आदि भजन के भाव गए और वर्षा हो गई। आपके भूताकाश में जो कुछ दिखता है वो चित्ताकाश से भजन गाया हो
चिदाकाश में गोता मार के, वाला जी तू मोकल ने वरसाद रे, साधु संत शानो कर से परसाद रे, अन जल खूट्या तूट्या सगुणा पण सहु नारे, नथी खमाता दुखड़ा गरीब गऊ नारे, गाय गरीब दुखी पीड़ित हो रही है भूखी प्यासी, उससे भी दुख नहीं सह जाता, पशु पक्षी भी दुख नहीं सह पाते, पशु पीड़ाए ना मड़े पाए पानी तणो, बिरद तमारू कावे अशरण शरण रे, तुम्हारा बिरद है कि अशरण की तुम शरण हो, अनाथ के तुम नाथ हो, दिनों के तुम बंधु हो, प्राणी मात्र के सुहृद हो, मनुष्य मात्र के नहीं जीव मात्र के तुम परम हितेशी हो परमेश्वर, पर जानो तो जो नित पेट भरवावे रे, प्रजा पीड़ाए तेनु पति ने पाप रे, अंतरजामी जुओ विचारी आप रे, अन्न विनाते कैम करीने दिन काढ़े रे, अबड़ानु बड़ एटलू आंसू पाड़े रे, दुर्बल का बल यही कि आंसू बाहे तुझे पुकारते पुकारते पुकारते, भजन गाते गाते चुप हो गए, और देखते देखते बरसात धमाधम हो गई, इतिहास साक्षी है। ऐसे 1956 में राजगोपालाचार्य अकाल पड़ा, रेड स्टोन लेक सूख गया था, और उन्होंने प्रार्थना की तो उसी रात को 10 बजे रात को बरसात ऐसी पड़ी 1956 में कि रेड स्टोन लेक तो छलका, लेकिन मद्रास की सड़कों पर सरकार को नावें चलानी पड़ी। तो चिदाकाश पर ब्रह्म परमात्मा सर्वसमर्थ, उसी चिदाकाश की सत्ता से चित्ताकाश में स्पूर्णा होता है, प्रेरणा होती कि हम इधर जाएं ना जाएं, इससे मिले ना मिले, और चित्ताकाश जितना ईमानदार होता है उतना ही चिदाकाश का प्रभाव उसमें छलकता है। तो अपने चित्त को, अपने चित्ताकाश को, चिदाकाश स्वरूप परमात्मा की प्रीति, परमात्मा की स्मृति और परमात्मा में विश्रांति, अगर ये तीन बातें आ गई तो आप किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी उम्र में हो, अद्भुत परमात्मा सामर्थ्य सुख और विश्रांति का प्रसाद मिलता है। इसी बात को गीता ने कहा, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। तो इस प्रसाद को पाने के लिए रात्रि को सोते समय जैसा सिखाते हैं, भगवत स्मृति करते 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 भगवत ध्यान में विश्रांति पाते पाते लेट जाए, और सुबह नींद में से उठने के समय थोड़ी देर उस पर ब्रह्म परमात्मा में विश्रांति पाए। हमारी पांच अवस्था होती, एक सुषुप्त अवस्था, गहरी नींद। अब गहरी नींद में से हम उठे तो शांत अवस्था होती है, चिदाकाशमय अवस्था, बड़ी महत्वपूर्ण होती। अगर निष्कपटता है जीवन में तो चिदाकाश अवस्था में सुबह नींद में से उठते विश्रांति पाओ तो विश्रांति ध्यान का इतना अद्भुत फायदा मिलेगा, विश्रांति ध्यान में इतने कुछ अद्भुत, वहां शब्द नहीं जाते हैं, शब्द मुझे कल्पना करके बोलने पड़ते हैं। विश्रांति ध्यान तो विश्रांति ध्यान है, भावातीत ध्यान, विश्रांति ध्यान, ये सब आपको चिदाकाश में परमेश्वर में निष्फुर होने के लिए प्रेरणा देते हैं। फिर स्फुरना होता है तीसरी अवस्था, पहली अवस्था घन सुषुप्ति, दूसरी अवस्था निष्फुर अवस्था, तीसरी अवस्था फुरना होता है, और कुछ अच्छा अच्छा लगता है नींद में से उठते हैं तो, नींद में से उठे तो अच्छा अच्छा सा मधुर मधुर सा लगता है। फिर स्फुरना घनीभूत होते संकल्प विकल्प और अपनी क्रियाकलाप में हम लगते हैं। तो ये पांच अवस्थाओं में से दूसरी अवस्था बहुत वांछनीय और हितकारी, ब्रह्मचारियों के लिए, जतियों के लिए, जोगियों के लिए, ध्यानियों के लिए, ज्ञानियों के लिए, विद्वानों के लिए,
संसार को चाहने वालों के लिए भी। सारी शक्तियों का जो मूल स्तोत्र है वह चिदाकाश परमात्मा है। उसमें कर्तृत्व भाव नहीं होता, भोक्तृत्व भाव नहीं होता। और गीता का सिद्धांत कितना उम्दा और ऊंचा है। गीता भगवान श्री कृष्ण के अनुभव की पोथी। गीता श्रुति नहीं है, गीता स्मृति ग्रंथ है। श्री कृष्ण को घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में 17 साल की एकांत विश्रांति के बाद महाभारत के युद्ध का सूत्रधार बनना पड़ा और उस समय गीता स्फुरित हुई। और श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कर दिया, दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ और मजहब में बुद्धि का इतना आदर नहीं है जितना गीता ने आदर कर दिखाया है। और मजहबी ग्रंथ चाहे अपने धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति को ले लो, बोले एकादशी करो, एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब प्रश्न उठता कि एकादशी ही क्यों, दशम के दिन क्यों ना करें? 15 दिन में दशम भी तो आती है, सप्तमी भी तो आती है, षष्ठी भी तो आती है, एकादशी ही क्यों? तो कहेंगे मनुस्मृति में लिखा है, मानो, यकीन करो कुरान शरीफ में लिखा है, विश्वास करो, फेथ करो बाइबल में लिखा है, लिखा है तुम मानो। लेकिन गीता ने कमाल कर दिया, धम्म शरणम गच्छ, अपने बोध स्वरूप अपनी बुद्धि की शरण जाओ, यत इच्छसि तत् कुरु। उपदेश देकर फिर कहते हैं जैसा तुझे ठीक लगे वो कर। अगर बुद्धि इतनी सुविकसित नहीं है तो फिर भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्ये मामेकं शरणं व्रज। तो ये सत्संग के द्वारा बुद्धि को ऐसा बनाया जाता है गीता के ज्ञान के द्वारा। कई ग्रंथ हैं जो कर्म सिद्धांत की बात कहते हैं, बहुत अच्छे ग्रंथ है, आदरणीय। कई ज्योतिष सिद्धांत की बात कहते हैं, ग्रह सिद्धांत की बात कहते हैं, अच्छा है, ठीक है सब। लेकिन गीता पौरुष ग्रंथ है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू। और पौरुष ग्रंथ में तुम्हारे जीवन में चाहे कुछ भी आ जाए तुम कहीं रुको मत। अनुकूल अवस्था आएगी लेकिन वो भी आएगी और जाएगी, प्रतिकूल अवस्था आएगी और जाएगी। चरेवेति चरेवेति सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। मेरे मत में वो परम योगी है जो सुख को और दुख को पैरों तले दबाता हुआ आगे निकल जाता है, जिसके लिए सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए अपने आत्मा को पहचान। जरा जरा बात में जैसे लॉलीपॉप चॉकलेट पर बच्चा रिझ जाता और छीन लो तो रोता रहता है, ऐसी छोटी मती के व्यक्ति ना बनिए। आप मती को तामसी न रोकने दीजिए, राजसी मती न होने दीजिए, सात्विक मती में भी फंस न जाइए। भगवत प्रसाद जामति बनाइए और उससे भी आगे तत्व प्रसाद जामति बनाइए। और सारे दुख हैं मती की कमजोरी के कारण, सारे जन्म मरण हो रहे मती की कमजोरी के कारण। कई लोग मूढ़ मती होते, कई मतिवान होते, कई बुद्धिमान होते,
कई बुद्धिजीवी होते हैं लेकिन कृष्ण यहां तक भी राजी नहीं होते। बुद्धिजीवी हुए, बुद्धि का विकास करके ठीक ठाक टिप टाप बड़े आदमियों की लाइन में आप जी लिए तो क्या झक मार लिया। आप तामसी बुद्धि से ऊपर आए लेकिन राजसी बुद्धि हो गई, खपे 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 अनर्थकारिणी बुद्धि हो गई, टिप टाप जिंदगी खपे में खप जाएंगे। नहीं तो सात्विक धार्मिक मति धर्म से नियमित रहकर इस लोक परलोक स्वर्ग की यात्रा करेंगे लेकिन अंत में तो वहां से भी गिरना है। तो सात्विक मति से अर्थदा मति, भोगदा मति, धर्मदा मति, मोक्षदा मति, इस अवस्था से आते आते भगवत प्रसाद जा मति बन जाए। भगवत प्रसाद के बिना आपकी मति को कहीं अच्छा ना लगे, काम बन जाएगा आपका। तो काम बनेगा, आप किसी अनजानी जगह पे गए हो और कोई पापी पात्र की आदमी मर गया है और उसकी चिता का धुआं आपकी नजर में आ गया तो वो दुराचारी आदमी की भी दुर्गति नहीं होगी, कुछ न कुछ अच्छी गति होगी आपका। ऐसा वो चिदाकाश का विश्रांति योग होता है। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी का मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। तो कमाली को वो तत्व प्रसाद जा बुद्धि प्राप्त हो गई थी रहिदास के कठोती के जल से, और फिर मांगने गए कि मुझे दो, बोले वो तो आया था, वो तो वहां मुल्तान पहुंच गया महाराज, और मुल्तान से तुम फिर इधर आए हो तो कोई घड़ी होती। तो कबीर जी से विद्वानों ने घेरा डालकर पूछा कि हम तो आचार्य किए, न्याय आचार्य हुए, योगाचार्य हुए, वैशेषिक और दर्शनाचार्य हुए, हमारे पास 100-200 लोग आते, उसमें से 5 उठते हैं, 15 जाते हैं, 15 आते हैं, 10 जाते हैं, और तुम्हारे पास कोई लोग आते हैं तो फिर उठने का नाम ही नहीं लेते, तो आखिर तुम्हारे पास क्या है, कबीर जी से पूछा काशी के विद्वानों ने। तो कबीर जी ने कहा भी आप तो कागज लिखी कहते हैं, जो ग्रंथ में लिखा है शास्त्र में वो कहते हैं, और मैं नैना देखी बोलूं। आपका जल टंकी का जल अथवा हौद का जल है और मेरा सीधा झरने का जल है। तो भगवत प्रसाद जा बुद्धि, तत्व प्रसाद जा बुद्धि अपने को भी विश्रांति देती है, भगवत सुख देती है, भगवत ज्ञान देती है और दूसरों को भी देती है। तो ये कठिन नहीं है, दुर्लभ भी नहीं है और दूर भी नहीं है। वो परमात्मा कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, दूर भी नहीं है। तो अपने बुद्धि में से ये गलतियां निकाल दो कि भगवान तो साधु बाबा को मिलेंगे, लीला साहब बापू को मिलेंगे, आसाराम बापू को मिलेंगे, हमारा कोई मोनोपोली नहीं, जितने हमारे हैं उतने ही पिया प्रभु तुम्हारे थे, हैं और रहेंगे। एक माँ के 10 बच्चे, तो क्या माँ 10-10% हो जाएगी क्या बच्चे की? अरे माँ सभी बच्चों के लिए पूरे की पूरी है, ऐसे भगवान सभी के लिए अपने हैं, पूरे के पूरे हैं। पूरा प्रभु आराधिए, पूरा जाका नाव, नानक पूरा पाइए, पूरे के गुण गा। तो अपनी बुद्धि से वो निकाल दीजिए कि भगवत प्राप्ति दुर्लभ है, ये भी निकाल दीजिए कि कठिन है, और ये भी निकाल दीजिए कि हम तो संसारी हैं, हम तो ऐसे हैं, अब हमारी तो जिम्मेदारी है, हमको फुर्सत नहीं मिलती, हमको जो भी कुछ करते भगवत प्रीति के निमित्त कर लो बस, सब फुर्सत ही फुर्सत हो जाएगी। बोले हम तो झूठे लोग हैं, कोई बात नहीं। बोले झूठे लोगों को भी भगवान मिलते हैं? हाँ। सत्य समान तप नहीं, झूठ समान नहीं पाप, और आप बोलते झूठे लोगों को भी भगवान मिलते हैं? कि हाँ मिलते हैं।
एक आदमी था, बोले महाराज मुझे तो भगवान की कथा बता तो सुनने आता हूँ लेकिन मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। बोले डरने की कोई बात नहीं, बोले झूठ बोले बिना रह नहीं सकता हूँ, बोले कोई बात नहीं। तो आप ये भावना करिए, सिंहासन बनाइए घर में, सीताराम सरकार का, और दरबार लगी है, और आप झूठे से झूठे कल्पना करके गप लगाकर सरकार का हास्य विनोद करिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए झूठे गप्पे बना बनाकर हास्य विलास करिए, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करिए। अब वो गप्पे तो आए और गए, लेकिन प्रसन्नता भगवान की रही तो मन बदला। पति मर गए अब क्या करें, मेरे को तो पति की याद आती। बोले कोई बात नहीं, बोले आंखें बंद करती हूं तो भावाती तो ध्यान क्या, पति पति जी ध्यान में आ जाते। बोली कोई बात नहीं, आने दो पति को, और मिला दो के पति आ रहे, ये पति हैं। अरे एक तरफ सामने भगवान है, पति भगवान के तरफ जा रहे हैं, भगवान पति को बुला रहे और पति भगवान के तरफ जा रहे हैं, इस भावना को मिला दो। धीरे धीरे पति भगवान के निकट जाते हुए दिखेंगे, आगे तो बढ़ती जाना बेटा, कल्याण हो। और भगवान को रख दिया, और भगवान प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सुहृदय है, परम हितेशी है। इस प्रकार के संस्कार जो भगवान की महिमा के थे, भगवान की स्तुति कुछ महाराज जी ने बता दी। वो पति को और भगवान को मिलाते मिलाते देखा कि पति जी और भगवान मिल गए, मेरा पति भगवान में लीन हो गया, भगवान ही रह गया, अब मैं भी लीन हो जाऊंगी। लो, पति का चिंतन होता था, उस चिंतन को मोड़ दिया और भगवान रह गए। झूठ बोलने की आदत थी, गपशप लगाते थे, गपशप तो चले गए, भगवान रह गए। नारद जी को श्री कृष्ण कहते कि नारद जी जरा वैंकुंठ में चक्कर मार के आओ। गए वैंकुंठ, फिर दे द्वारिका, गए वृंदावन, दे द्वारका, गए अतल में, फिर दे द्वारका, गए वीतल तलातल में, फिर दे द्वारका, गए रसातल और पाताल में, फिर दे द्वारका। तो जाने की जगह अनेक हो गई, लेकिन आने की जगह वह एक की एक। ऐसे ही आप इंद्रियों से मन से काम करें, लेकिन बार बार घूम फिर के उस चिदाकाश परमेश्वर की सत्ता में गोता मारिए, तो महाराज 50 जगह के 50 मार्क बट गए, फिर भी 50 बार आप वहां आए तो पास हो गए। भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान को अपना मानिए, अपने को भगवान का जानिए, और फिर प्रीति उभरेगी, और प्रीति पूर्वक भजेंगे तो भगवान आपकी बुद्धि में भगवत प्रसाद जा की अवस्था ला देंगे। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते। प्रीति पूर्वक भगवान को अपना मानिए। सुमरण ऐसा कीजिए, खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जिह्वा होठ। आरंभ में उच्चारण करिए हर्षोच्चारण, हरि ओम हरि ओम, राम राम, शिव शिव, जिस भगवान को मानते। हर्ष उच्चारण से पाप नाशिनी ऊर्जा बनती, दीर्घ उच्चारण से साफल्य दायिनी ऊर्जा बनती, प्लुत उच्चारण करने से परमात्मा विश्रांति होती, और परमात्मा विश्रांति करते करते आप चिदाकाश में पहुंच जाएंगे। चिदाकाश से तो होती है, तो उसमें पहुंचने में देर क्या है, दूर क्या है। न सदूर है न दुर्लभ, दूर भी नहीं है दुर्लभ भी नहीं है। तो भगवान को पराया मत मानिए, समझ रहे हैं, भगवान को दूर मत मानिए, भगवान को दुर्लभ मत मानिए, और भगवान के बिना चलेगा ऐसा कभी न मानिए। भगवान के बिना नहीं चलेगा, बाकी सबके बिना चलेगा। आंख भगवान की सत्ता के बिना देख नहीं सकती, कान भगवान की सत्ता के बिना सुन नहीं सकते, जीव भगवान के बिना बोल नहीं सकती, चख नहीं सकती, मन भगवान की सत्ता के बिना स्फुरित नहीं हो सकता, बुद्धि भगवान की सत्ता के बिना निर्णय नहीं कर सकती,
बुद्धि के बिना भगवान रह जाएंगे, आंखों के बिना भगवान रह जाएंगे। ज्योति शाम अपि तत् ज्योति तमसा परमुच्यते, गीता ने कहा मैं ज्योतियों की ज्योति हूं, आत्मदेव। एक तो सूर्य ज्योति होता है, चंदा ज्योति होता है, अग्नि ज्योति होता है, लाइट आदि ये ज्योति होती। इन ज्योतियों को देखने वाली नेत्र ज्योति नहीं हो तो ये ज्योतियां दिखेगी नहीं, क्या ख्याल है? वही हाल है। तो ये सारी ज्योतियां नेत्र ज्योति से दिखती, लेकिन नेत्र ज्योति को प्रकाशने वाली मन ज्योति नहीं है तो नेत्र ज्योति भी क्या देखेगी? तो नेत्र ज्योति से नजीक है मन ज्योति, मनवृत्ति। रात को सो गए गहरी नींद में और थोड़ी सी आंख फटी रह गई, फिर भी ये दिखता नहीं है क्योंकि मन ज्योति सो गई। मन ज्योति की ज्योति है मति ज्योति। मन ठीक देखता है कि नहीं देखता, वो मति ज्योति है। और मति ज्योति के प्रकाशक हैं परब्रह्म परमात्मा। तमेव शरणं गच्छ, तमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत। तत्प्रसादात् परम शांतिं, तत्प्रसादात् परम शांतिं, स्थानं प्राप्यति शाश्वतम्। उस प्रसाद से परम शाश्वत स्थान की प्राप्ति होगी। कोई भी कुर्सी शाश्वत नहीं है, कोई भी धन का कुबेर शाश्वत नहीं है, सत्ता का कुबेर शाश्वत नहीं है, लेकिन परमात्मा महाप्रलय आत्यंतिक प्रलय हो जाए फिर भी अच्युत है। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अच्युत जो अपनी अवस्था से परिस्थिति से च्युत न हो, ज्यो का त्यों रहे वो चिदाकाश स्वरूप, वही केशव है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। ब्रह्मा विष्णु और शिव का अंतर आत्मा है। अच्युतम केशवम राम नारायणम। रोम रोम में रम रहा है और नरानाम समूहम इति नारम, वही नारायण है। कृष्ण दामोदरम कौर्षति आकर्षति थी कृष्ण, जो सुख आनंद के लिए सुबह से रात तक सब भागे भागे फिरते क्या करते हैं, आनंद से आकर्षित होकर भाग रहे हैं आनंद पाने के लिए, सुख पाने के लिए। जो भी कुछ करते हैं सुख और आनंद पाने के लिए तो करते हैं। तो कर्षति आकर्षति थी कृष्ण अच्युत केशव दामोदर वासुदेवम हरि, सीधरम माधरम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे तरी। तो देहातों में भी उस चिदाकाश स्वरूप परमात्मा की उपासना की व्यवस्था ऋषियों ने इस ढंग से की कि बड़े बड़े विद्वानों को जो तत्व मिलता है वो छोटे से छोटे अनपढ़ व्यक्ति के हृदय में भी और उसको भी मिल जाता है। तो जिंदगी जीने का मजा तो उन्हीं को आता है जिनको भगवत प्रसाद या बुद्धि मिली सत्संग के द्वारा, साधन भजन के द्वारा, लेकिन साधन के बल से नहीं मिलती। साधन तो करो लेकिन भगवत कृपा। साधन करके आप कितने भी ऊंचे उठे तो वही हुआ कि कंगला करोड़पति होना चाहता है, अब अपने बल से हो। दूसरा है कि करोड़पति कंगला है करोड़पति की गोद चला गया तो हाथों हाथ हो गया। साधन तो करे लेकिन भगवान को अपना माने तो महाराज भगवान की गोद में पहुंच जाएगा। नारायण 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 नारायण। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने।
ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हम को दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करे। दिव्य जीवन हो हमारा यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। जाए हमारी आयु हे प्रभु लोक के उपकार में। जाए हमारी आयु हे प्रभु लोक के उपकार में। हाथ डाले हम कभी भूल कर अपकार में। हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हम पर कृपा अब ऐसी है परमात्मा। कीजिए हम पर कृपा अब ऐसी है परमात्मा। मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। मोह मद मत्सर रहित होवे हमारी आत्मा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम सभी जनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम सभी जनों की नित्य ही सेवा करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी के हम
किसी से भूल कर भी ना करे, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करे, सत्य बोले झूठ प्यारे मेल आपस में करे, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे, ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने, ब्रह्म निष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। जीभ तालू में लगा दे इस भजन की कड़ियों को मन ही मन स्मृति पटल पर पक्का होने दीजिए, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में, इससे आपकी शक्तियों का विकास होगा, आप चिदाकाश स्वरूप परमात्मा में विश्रांति आराम से पाएंगे, किसी को बुरा न मानिए, सब भगवान की लीला है, बुरे से बुरे व्यक्ति की गहराई में वही है चिदाकाश, मैले मटले तरंगों की गहराई में शांत उदरी, और अच्छे से अच्छे साफ सुथरे तरंगों में भी शांत उदधि है, सब आप ही का स्वरूप, ब्रह्म निष्ठा योग निष्ठा हो अधिक प्यारी, विश्रांति योग भावातीत गुणातीत परमात्मा स्वरूप का ज्ञान, परमात्मा की प्रीति और परमात्मा में विश्रांति, ये क्या कठिन है? हे राम जी, फूल पत्ता और टहनी मसलने में तो परिश्रम लगता है क्योंकि वो बाहर है, ये तो अपना आपा है, उस परमेश्वर को पाने में क्या कठिनाई? कठिन नहीं है, लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है, और उत्साह से चलने वाले साधक का मिलना कठिन। मधुर शांति, परमेश्वरी शांति, भगवत तत्व की कथा सुनना सुनाना, आपस में सत्संग में जाना, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं माना जाता है। सनक सनंदन सनकादि आदि चार भाई एक वक्ता बनते थे, ऊपर बैठते थे, उनको ये अभिमान नहीं होता कि हम बड़े हैं और ये छोटे, और कोई श्रोता की जगह पर बैठता है तो उससे छोटा नहीं हो जाता है, छोटा बड़ा बहुत छोटी नजर है वास्तविक में। प्रभु चर्चा सुनना सुनाना और उसमें तल्लीन होना, उसमें अपने पद प्रतिष्ठा बड़पन छोटपन की बात लाना ही बहुत बालकमती। हमारे गुरुदेव 92 साल के 20-22 साल की उम्र में ऐसी योग शक्ति और ऐसी ब्रह्मनिष्ठा के पेड़ को चला दिया, नीम के पेड़ को, तब मुसलमानों ने शरण पकड़ी। विवाद था, झूलेलाल वाले बोलते थे कि यह हमारी जमीन है, और अपने खान बोलते थे कि हमारी मुजाहिर की।
चालीसों वर्ष मुकदमा चला। फिर दोनों कौमों ने तय किया कि अपने अपने पीर फकीर बुलाओ, उसमें जिसकी सिद्धाई होगी वो जमीन उसी की मानी जाएगी। अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, डाकिनी बांधू, साकिनी बांधू, टूने टोटके वालों ने अपने खेल दिखाए। हिंदुओं के तरफ से एक लीलाराम महापुरुष थे, केशव राम, लीलाराम, आशाराम, राम परंपराएं। चुपचाप बैठे थे अपने विश्रांति योग में। सिंधी साईयों ने प्रार्थना की, महाराज अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है। महाराज ने नीम के पेड़ को आदेश दिया कि जहां असली जमीन की हद होती है जा उधर जाकर बैठ। तो पेड़ चलने लगा, जैसे ज्ञानेश्वर के हुक्म से चबूतरा चला। ये जो आप अपने को देख रहे हैं, मान रहे हैं, सुखी दुखी होने वाले पापी पुण्यात्मा, ये तो आपका नाटकीय लबास है। मैं मेयर हूँ, मैं महंत हूँ, मैं आसाराम बापू हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, ये सब ऊपर ऊपर का, जैसे पानी का बुलबुला हो गया, तरंग हो गई, झाग हो गया, भंवर हो गया, ये सब खिलवाड़ मात्र है। वास्तविक में तत्व पानी है, ऐसे वास्तविक में तुम सभी सिद्ध तत्व ही हो। क्यों सिद्ध बनना चाहता तू? जिसे सभी सिद्ध है खेल सारी सिद्धियां, तू सिद्ध का भी सिद्ध है। चाह न कर, चिंता न कर, चिंता ही बड़ी दुष्ट है। श्रेष्ठ से सी भी श्रेष्ठ मगर चाह करके भ्रष्ट है। इच्छाएं वासनाओं से हम चिदाकाश से परे हो जाते, फिर भी रोज चिदाकाश स्वरूप परमात्मा में जाते हैं। अनजाने में जाते तो थकान मिटती है, और जानकर जाए तो जन्म जन्म की परेशानी मिट जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रीति देवाय, माधुरी देवाय, मम देवाय। तो एक भगवत तत्व का ज्ञान और दूसरा भगवत प्रीति, बस काफी हो गया। तो प्रभु की स्मृति, प्रभु की प्रीति, प्रभु तत्व का ज्ञान, बस इतना ही तो है। दुनिया भर के बाल की खाल उतार के भी देखते तो ठन ठन पाल रह जाए। ये तीन काम कर लो तो बेड़ा पार।